अब मैं आपको नेशनल इनकम एग्रीगेट्स पे कुछ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, और एक बहुत सिंपल तरीके से अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपका कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, एंड इट विल गेट यू कन्फर्म 3 to 4 मार्क्स, जितने मार्क का बोर्ड में न्यूमेरिकल आएगा वो आपको कन्फर्म मिलेंगे। जिन बच्चों को, जिन्होंने मेरे पहले वीडियो नहीं देखा है, उनको प्लीज़ वो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे उनको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। हमारे को पर न्यूमेरिकल दिया गया जिसमें बोला है कि हमारे को NDP/FC कैलकुलेट करना है, और हमारे को वैल्यूज दिए हैं GNP/FP 6000, सब्सिडीज 200, डेप्रिसिएशन 100, NFIA 400 एंड IT 300। सबसे पहले हमारे को फॉर्मूला निकलना है, लिखना है, जो हमको निकालना है वो हम लिखेंगे बाहर इक्वल टू के साइन के इस तरफ, और जिन वैल्यू से निकालना है वो हमारा इस तरफ होगा। तो मैंने पहले क्या करा, NDP/FC और GNP/FP लिख दिया। फिर मैंने अपने, जैसे पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको कैसे पूरा फॉर्मूला लिखना है, तो आपको बिल्कुल सेम तरीके से करना है। कई सारे टीचर्स आपको ऐसे करके बोलेंगे कि आपको ऊपर से लेकर नीचे तक एक टेबल बनानी है और वैल्यूज लिखनी है, वो गलत तरीका है, बोर्ड उस चीज़ को लाइक नहीं करता। आपको हमेशा फॉर्मूला ऐसे लिखना है, जैसे GNP/FP है, आपने पहले ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट करा, ग्रॉस को नेट पे कन्वर्ट करने के लिए आपने डेप माइनस करा, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करने के लिए आपने माइनस NFI करा, और MP को FC में कन्वर्ट करने के लिए आपको माइनस NIT करना पड़ा। ध्यान रखिएगा कि आप अपने यहाँ पे जो भी है वैल्यू उतार दी, जैसे कि GNP/FP हमारे पास है 6000, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 100, NFI हमारे पास है 400, और NIT हमारे पास है 300, और सब्सिडी 200। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब जैसे आपको IT और सब्सिडी की अलग अलग वैल्यू दी है, तो आपको ब्रैकेट यूज़ करने हैं। आपको IT की वैल्यू लिखनी है विच इन दिस केस इज 300, आपको सब्सिडी लिखना है विच इज 200। आपको ऐसे करके इसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने ब्रैकेट यूज़ नहीं करा तो इट मे क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। मैं आपको अगले न्यूमेरिकल में बताऊँगा कि कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। अब आपने इसका कैलकुलेशन करा तो ये हो जाएगा, इट विल बी 5400, 6000 माइनस 500, 5500 माइनस 100, इट विल बी 5400। ये आपका आंसर निकल गया NDP/FC। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड न्यूमेरिकल। हमारे को यहाँ पे GNP/FC निकालना है, और हमारे को वैल्यूज दिए NDP/FP 25000, डेप्रिसिएशन 5000, सब्सिडीज 30, FIFA 400, FITA 600। जो भी चीज़ हमें निकालनी है हम उसको इक्वल टू के साइन के इधर लिखेंगे, और जिस चीज़ से हमें निकालना है वो सारा इस तरफ लिखा जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है NDP/FP हमने यहाँ लिखा। अब हम बारी बारी अल्फ़ाबेट को इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं आइडेंटिफाई करना कि बड़ा कौन सा, जैसे नेट और ग्रॉस में ग्रॉस पड़ा होता है, तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम डेप ऐड करेंगे। देन सेकेंड अल्फ़ाबेट है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा है, हम NFI ऐड करेंगे, और MP से FC में जाने के लिए हम NIT माइनस करेंगे क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा होता है। हमने सारी वैल्यूज डाली, NDP/FP 25000, डेप्रिसिएशन 5000, FIFA माइनस FITA, क्योंकि FIFA और FITA दोनों दिए हैं, हमको ब्रैकेट यूज़ करके ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करनी है, और ऐसे ही हमारे को NIT निकालना है। अब जैसे हमारे पास NIT में IT की वैल्यू नहीं दी, तो हमारे को IT 0 लेना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा कि वी ट्राई टू गेट IT बट इट वॉज नॉट हेयर, तो हमने उसको 0 ले लिया। एंड सब्सिडी हमने लिया 30, तो 0 माइनस 30, हम इसको ब्रैकेट के अंदर पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिगर आएगा माइनस 30 का, जो इससे क्लैश करके प्लस 30 बन जाएगा, और इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं विच विल बी 29830। अगर हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो प्रॉब्लम आ जाती है पेपर कैलकुलेशन में, क्योंकि साइन उल्टा हो जाता है। तो प्लीज़ यूज़ द ब्रैकेट इन केस इफ मोर देन वन वैल्यू इज गिवन, इट विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी इजी एंड आंसर विल बी परफेक्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकेंड न्यूमेरिकल। हमारे को यहाँ पे GNP/FP निकालना है, और हमारे को वैल्यूज दिए NDP/FP 25000, डेप्रिसिएशन 5000, सब्सिडीज 30, FIFA 400, FITA 600। जो भी चीज़ हमें निकालनी है हम उसको इक्वल टू के साइन के इधर लिखेंगे, और जिस चीज़ से हमें निकालना है वो सारा इस तरफ लिखा जाएगा। तो हमारे को यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है NDP/FP हमने यहाँ लिखा। अब हम बारी बारी अल्फ़ाबेट को इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं आइडेंटिफाई करना कि बड़ा कौन सा, जैसे नेट और ग्रॉस में ग्रॉस पड़ा होता है, तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम डेप ऐड करेंगे। देन सेकेंड अल्फाबेट है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक छोटा है, हम NFI ऐड करेंगे, और MP से FC में जाने के लिए हम NIT माइनस करेंगे, क्योंकि मार्केट प्राइस बड़ा होता है,
हमने सारी वैल्यूज डाली, एनडीपीटी एमपी 25,000, डेप्रिसिएशन 5,000, फीफा माइनस फीटा, क्योंकि फीफा और फीटा दोनों दिए है, हमको ब्रैकेट यूज करके ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करनी है, और ऐसे हमारे को एनआईटी निकालना है। अब जैसे हमारे पास एनआईटी में आईटी की वैल्यू नहीं रही, तो हमारे को आईटी जीरो लेना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ेगा कि वी ट्राई टू गेट आईटी बट इट वॉज नॉट एयर, तो हमने उसको जीरो ले लिया। एंड सब्सिडी हमने लिया 30, तो जीरो माइनस 30, हम इसको ब्रैकेट के अंदर पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिगर आएगा माइनस 30 का, उससे क्लैश करके प्लस 30 बन जाएगा, और इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं विच विल बी 29830। अगर हम ब्रैकेट यूज नहीं करते तो प्रॉब्लम आ जाती है पेपर कैलकुलेशन में, क्योंकि साइन उल्टा हो जाता है। तो प्लीज़ यूज द ब्रैकेट इन केस इफ मोर देन वन वैल्यू इज गिवन, इट विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी इजी एंड आंसर विल बी परफेक्ट। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं जहाँ पर कि हमारे को बोला जाता है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। हमारे को वैल्यू दिए एनएलपीएटएफसी, जीडीपीएटएमपी, एनआईटी, एनएफआईए। एनएलपीएटएफसी 4000 है, जीडीपीएटएमपी 5000, एनआईटी 300 एंड एनएफआईए 200। अब हमारे को डेप्रिसिएशन निकालना है। इसकी इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल हमने पहले नहीं करा, तो आप ध्यान से देखिएगा, हमारे को इन दोनों वैल्यूज को लिंक करना है। तो हमने क्या करा, इनमें से कोई सी भी वैल्यू को आप यहाँ लिख सकते हो, इन दोनों में से कोई से भी, तो मैंने यहाँ पे एनएलपीएटएफसी को बाहर लिखा और जीडीपीएटएमपी से उसको कनेक्ट करा। तो अब मैं जब जीडीपीएटएमपी से कनेक्ट करूँगा तो क्रॉस पड़ा है, नेट छोटा है, तो मैं क्या करूँगा उसमें से डेप्थ माइनस करूँगा टू गेट नेट। उसके बाद डोमेस्टिक और नेशनल में डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, एनएफआईए ऐड करा, एमपी बड़ा है, एफसी छोटा है, एनआईटी माइनस करा, सारी वैल्यूज डाल दी। ध्यान रखिएगा कई सारे बच्चे क्या करते हैं, वो जब डेप्रिसिएशन निकालें तो वो क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज को इधर से उधर लेकर जाएंगे, उसमें कई बार आपके साइन को गलत आप ले जाते हैं और उसमें आंसर गलत हो जाता है। तो पहले आप इस साइड को पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, 5000 माइनस डेप प्लस 200 माइनस 300, जब पूरे फिगर था उसको कैलकुलेशन करा तो मेरे पास आया 4900। 4900 माइनस डेप, अब मैंने डेप को यहाँ छोड़ दिया, 4900 को यहाँ ले गया, डेप आ जाएगा 900। आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, पहले फॉर्मूला लिखना है, जितनी भी वैल्यू डालनी है आप पहले एक साइड को कैलकुलेट करो, उसको एक फिगर में कन्वर्ट करो, और जब वो एक फिगर आ जाए आप उसको दूसरे साइड में लेकर जाओ, आपके पास जो भी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये न्यूमेरिकल्स में अगला न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि जीएनपी कैलकुलेट करना है, और आपको वैल्यूज दिए एनडीपी टेफसी 3200, डेप्रिसिएशन 400, इनडायरेक्ट टैक्सेस 70, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 अगर एनएफआई में फ्रॉम की जगह पे 2 लिखा हुआ है तो इट रिप्रेजेंट्स माइनस, इसका मतलब है कि फीटा वॉज ग्रेटर देन फीफा, इसलिए हमारा जो नेट फैक्टर इनकम 2 अबॉर्ड है, इसलिए नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड लिखा गया, मतलब हमारा इनकम बाहर ज़्यादा गई है कम्पेयर टू बाहर से जो इनकम आई है। हम वही करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा, जीएनपी टेम्पी को ये बाहर लिखा क्योंकि हमें निकालना है, हमारे को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एनडीपीएटएफसी, तो एनडीपीएटएफसी को पहले हम जीएनपी टेम्पी में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कि बड़ा कौन सा है, जैसे नेट और ग्रॉस में ग्रॉस बड़ा होता है तो हम नेट में डेप ऐड करेंगे टू गेट ग्रॉस, सिमिलरली डेप डोमेस्टिक छोटा है नेशनल बड़ा है तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम एनएफआई ऐड करेंगे, और एफसी से एमपी में जाने के लिए हम एनआईटी प्लस करेंगे क्योंकि एफसी छोटा एमपी बड़ा है। हमने सारी वैल्यूज लिख दी, एनडीपीएटएफसी 3200, डेप्रिसिएशन 400। अब मैंने आपको बताया था कि नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड लिखा हुआ, अगर 2 लिखा है तो हम जो भी फिगर है उसको उल्टा लेंगे क्योंकि 2 माइनस को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस 50 का फिगर दिया है तो हम उसको माइनस 50 लेंगे। उसके बाद आता है प्लस एनआईटी, हमारे पास यहाँ पे सब्सिडी नहीं दिया हुआ तो हम सिर्फ आईटी लेंगे, सब्सिडी दिखाएंगे कि भाई हमने जीरो लिया क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी का फिगर नहीं दिया हुआ, और जब हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 3620। अगला न्यूमेरिकल जहाँ पे आपको एनआईटी निकालने के लिए बोला गया है, आपको वैल्यूज थी जीएनपी एमपी 7000, एनडीपीएटएफसी 6200, डेप्रिसिएशन 600 एंड एनएफआई दियो माइनस में माइनस 400। मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो भी कॉन्सेप्ट है आप पहले उनको लिंक करिए, जैसे यहाँ पे आप इनमें से कोई से भी कॉन्सेप्ट को बाहर ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जीएनपी एमपी बाहर ले लिया इक्वल टू एनडीपीएटएफसी, एनडीपीएटएफसी एन को ग्रॉस पे कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करा, डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए एनएफआई ऐड करा, और एफसी को एमपी में करने के लिए एनआईटी ऐड करा। अब हमारे को एनआईटी निकालना है, तो जो बाकी वैल्यूज थी वो मैंने नीचे लिख ली, 7000 जीएनपी एमपी,
एनडीपी 6200, डेप्रिसिएशन 600, एनएफआई हो गया -400, एनआईटी मैंने सेम रखा। मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में बताया था कि आपको बहुत सारे वैल्यूज को इधर से इधर शिफ्ट नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे आपको पहले इसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो ये आ गया 6400, 6200 प्लस 600 माइनस 400 विल बी 6400 प्लस एनआईटी। अब आप जब इसको यहाँ लेकर जाओगे तो एनआईटी की वैल्यू 600 आ जाएगी। अगले न्यूमेरिकल में आपको बताना चाह रहा हूँ जिसमें कि आपको फीटा निकालने के लिए बोला गया है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमारे पास वैल्यूज दी है जीएनपी 10P 4500, डेप्रिसिएशन 100, इनडायरेक्ट टैक्सेस 300, सब्सिडीज 200, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 700 एंड एनडीपी एफसी 3900। अब हमारे को फीटा निकालने के लिए बोला गया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पहले जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं जैसे जीएनपी 10P एंड एनडीपी एफसी आप इनको लिंक करो। तो जैसे सपोज आप इनमें से कोई सा भी बाहर लिख सकते हो, मैंने इसको जीएनपी 10P को बाहर लिखा। अब मैंने सारी वैल्यूज ऐसे डाली, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए डेप प्लस कर दिया, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए एनएफआईए, जो फीफा माइनस फीटा है वो प्लस कर दिया, और एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए एनआईटी प्लस कर दिया। क्योंकि आईटी और सब्सिडी की वैल्यू अलग थी तो मैंने आईटी माइनस सब्सिडी ब्रैकेट में लिया। सिमिलरली फीफा और फीटा निकालना है, फीफा हमारे को ऐसे दिया हुआ है तो हम ऐसे करके लेंगे, पूरा फॉर्मूला लिख लिया। अब आप वैल्यूज को देख के उतारते रहिए। जीएनपी में 4500 है, जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 700 माइनस फीटा है, फीफा माइनस फीटा, तो फीटा को एज इट इज रहने दीजिए। जब आप पूरी कैलकुलेशन करके फिगर को एक में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आएगा 4800 माइनस फीटा। 4500 इज इक्वल टू 4800 माइनस फीटा और फीटा विल बी 300। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट वे। आप एक लाइन में पहले फॉर्मूला लिखिए, आप न्यूमेरिकल सिर्फ वैल्यूज को देख के आप अगले लाइन में कॉपी करिए। एट द मोस्ट मैक्सिमम चार लाइनों में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाना चाहिए, जो सॉल्यूशन है वो चार लाइन में हो जाना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल, सॉल्यूशन चार लाइन में खत्म हो जाना चाहिए।